गाजा में हमास के ऊपर फतह हासिल करना इसराइल के लिए अभी भी एक दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा की गली गली घूमने के बावजूद इजरायली सेना हमास का गाजा से सफाया नहीं कर पाई है। बल्कि ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर हमास को दूसरे प्रतिरोधी संगठनों की ताकत भी मिल चुकी है और ये सब मिलकर इजरायली सेना पर एक साथ हमला कर रहे हैं। और इस पूरे युद्ध में गाजा का राफा शहर एक ऐसा किला बना हुआ है जिसे भेदना IDF के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। उल्टा IDF को हमास के भीषण हमलों का सामना करना पड़ रहा है और इन हमलों में इजरायली सेना को भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। और ये बात खुद इजरायली सेना मान चुकी है कि गाजा की जंग उसको काफी महंगी पड़ी है। दरअसल इजरायल के न्यूज़पेपर येडिट और अनट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजरायली सेना 15 जुलाई 2024 को गाजा के भीतर महिला टैंकों के बेड़े को लॉन्च करने वाली थी, लेकिन टैंकों की कमी की वजह से उसने ये फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। हालांकि इससे पहले टैंक चलाने वाली महिला सैनिकों को गाजा में तैनात करने की मांग उठी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने ये फैसला नवंबर 2025 तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि IDF टैंकों की गंभीर किल्लत से जूझ रही है और दूसरा मोर्चों पर युद्ध लंबा खिंच रहा है। दरअसल इजरायली सेना टैंक चलाने वाली इन महिलाओं को अक्टूबर 2024 की शुरुआत में जंग के मैदान में तैनात करने वाली थी, लेकिन अब ये फैसला टल चुका है और ये पहली बार हुआ है जब इजरायली सेना ने माना है कि गाजा में युद्ध की वजह से उसे गोला बारूद से लेकर टैंकों और सैनिकों की काफी कमी हो रही है। यहाँ तक कि उसके कई सैनिक और कमांडर युद्ध में या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं और इसी वजह से IDF के सामने युद्ध में बाधाएं आ रही हैं। गाजा में युद्ध और अन्य फ्रंट पर जंग की वजह से इजरायली सेना के सामने लक्ष्यात्मक बाधाएं आन खड़ी हुई हैं। विशेषकर कॉम्बैट यूनिट, जहां पर कमांड और संगठनात्मक ध्यान युद्ध पर देने की जरूरत है। और इजरायली सेना ने अंदर खाने इस बात को भी माना है कि उसके कई टैंक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जो अब सेवा से बाहर हैं और ऐसे टैंक युद्ध और ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। और अभी ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि IDF को नए टैंक मिल जाएं और इसी वजह से IDF के पास मौजूदा टैंक युद्ध के लिए नाकाफी हैं। और तो और IDF के पास गोला बारूद भी बहुत कम बचा हुआ है। इसके अलावा सैन्य उपकरणों और टैंकों की मरम्मत के लिए IDF पर संसाधन भी कम है। हालांकि इजरायली फौज बड़े पैमाने पर सेना में भर्तियां कर रही है। वहीं इजरायली मीडिया भी इस मुद्दे को खुलकर उठा रहा है। इजरायल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आने वाले समय में इजरायली सेना को एक बेहद ही खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उसे कई तरह के उपकरणों की कमी हो सकती है। हालांकि IDF कमांड इस तरह के दावों को खारिज कर रहा है। वहीं इजरायली सेना में रेगुलर सैनिक, रिजर्व और वॉलंटियर फोर्स ने चैनल 12 को हथियारों की इस कमी के बारे में बताया है। इनका कहना है कि IDF बैलिस्टिक हथियार, हेलमेट, चश्मे, बॉम्ब सूट की कमी से जूझ रही है और ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें जीवन रक्षक उपकरण माना जाता है। और इनमें से कुछ ऐसे हथियार और उपकरण भी हैं जो अब सैन्य लिहाज से उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। और हाल ही में इजरायली न्यूज एजेंसी मारीव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गाजा में IDF 572 सैन्य वाहन खो चुकी है। इसके अलावा IDF मेरकावा टैंक की जगह अब APC आर्मर्ड व्हीकल को जंग में उतार रही है, जो मेरकावा टैंक के मुकाबले काफी कमजोर माना जाता है।